तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अपनी चेन को दोबारा अपने हाथ से टाइट करने वाले DIY। तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें पड़ेगी एक 17mm स्पैनर। 27mm का स्पैनर नहीं है तो हम अपना रिंच यूज़ करने वाले हैं। एक 10 नंबर की चाबी। तो सबसे पहले हम अपना 17mm वाला लॉक सेंटर व्हील नट को ढीला कर लेते हैं। आपको 27mm वाला जो नट है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो जो ये पीछे चैन पुल होता है तो इसका हम नट टाइट शुरू करेंगे। ये 10mm का नट है तो इसको टाइट करना शुरू करेंगे। तो ये चैन को पीछे खींचेगा एक्सल को। और देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में चैन कैसे टाइट होती चली जाएगी। ये देखिए चैन उठती जा रही है ऊपर। तो हम इसमें थोड़ा सा प्ले छोड़ेंगे ताकि ये सही रहे, जर्क ना दे। गियर चेंज करने जो लाइंस दिख रही हैं हमें ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज बराबर वहाँ पर करनी पड़ेगी लेफ्ट। तो सेम इसी तरह से इधर का भी राइट साइड का भी पुल करेंगे और जितनी लाइंस उधर थी उतनी लाइंस पे ला के इसको टाइट कर देंगे। तो हम इस सबसे पहले इस 27mm वाले नट को टाइट करेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले इसी को टाइट करना है। कभी आप लेफ्ट राइट साइड वाला टाइट कर दो फिर लूज रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड टाइट करने से पहले इस वाले होल में एक पिन घुमा लें। ये एक स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल ले ताकि जब आप इसको टाइट करते हो ये साथ में पूरा ना घूमे एक्सल, तो पूरा गोल घूमने लग जाता है वो। इसलिए एक तरफ से उसको होल्ड करके रखें और इधर से टाइट करें। तो आप देख सकते हैं हमने जो चेन में प्ले छोड़ा है एकदम परफेक्ट छोड़ा है। तो इतना ही चेन अब में प्ले आपको छोड़ना है। ये ना टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज होनी चाहिए। लूज़ होगी तो गियर चेंज पर जर्क आएगा। तो जो हमारा चैन गार्ड टूटा हुआ था इसको भी खोल लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको हम फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश करेंगे। अगर चिपकता है तो देखते हैं शायद काम चल जाए हमारा, इसी चैन गार्ड से बदलना ना पड़े। तो इसको भी खोल लेते हैं। 10mm का स्क्रू नट होता है इसमें, 10mm की से खुल जाएगा आसानी से। तो मैं जो इस जॉइंट है इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऊपर से ग्लू डाल रहा हूँ ताकि और जॉइंट थोड़े पक्के हो जाएं, क्योंकि मिट्टी बीच में बाइंडिंग का काम करती है अच्छे से, तो दोनों तरफ के पकड़ लेगी बीच में। तो मैंने इसको दोनों साइड करा है, इस साइड भी और बाहर की साइड भी। बाहर की साइड भी देखिए मैं मिट्टी डाल रहा हूँ। मिट्टी डाल के इसको क्लीन कर दें और सूखने दें थोड़ी देर। तो अब चेन गार्ड को फिट कर देते हैं, बहुत आसान था। और इस पर दो नट कसने हैं और ये हो जाएगा फिट एकदम परफेक्ट।
Thank you.